सबसे पहले मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इतना भव्य स्वागत आपने किया मेरा, और जितने भी यहां पर लोगों ने आकर के अपने भावनाओं को व्यक्त किया, उन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कही मेरे लिए। मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता हूं, लेकिन उन सबको मैं अपनी ओर से अनेक अनेक धन्यवाद देता हूं। आपको भी मानता रहा हूं, क्योंकि मेरे जीवन में भी कई ऐसे क्षण आए जहां पर मुझे संघर्ष करना पड़ा। कई बार हताश होकर के मैं पूज्य बाबूजी से, जब वो जीवित थे, तो उनके सामने जाकर के कहता था कि बाबूजी जीवन में संघर्ष बड़ा है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, उन्होंने कहा कि बेटा जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। और आप भी मान लीजिए कि आपके जीवन में प्रतिदिन प्रतिक्षण ये संघर्ष रहेगा, और आप लोगों को वादा करना पड़ेगा कि ये संघर्ष में आप लगे हैं, आगे भी आगे आप संघर्ष करते जाएंगे, ताकि जो भी कार्य आप उठाएं उसमें वो संघर्ष जो है वो नजर आए। जिस दिन लोग आपके संघर्ष को सम्मानित करेंगे, उस दिन आपका पदार्थ जो है वो ऊंचाइयों पर पहुंचा। एक संस्कृत का श्लोक उन्होंने मुझे बताया कि सूर्योदय चास्तमय चषाइनम जहाति लक्ष्मी रवि चक्रवर्तिनम। माने ये कि सूर्य उदय होने से लेकर के और अस्त होने तक जो इंसान सोता है, वो चाहे चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना हो, उसकी धनराशि जो है वो गायब हो जाती है। हनुमान जी की एक कथा है। हनुमान जी ने कहा था कि ईश्वर से कि हमको शिक्षा प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, क्या किया जाए, किसके पास जाए। उनसे बताया गया कि आप सूर्य के पास जाइए, सूर्य देवता जो है वो ज्ञान का भंडार है, उनके पास आप जाएंगे तो वो आपको ज्ञान दे सके। तो हनुमान जी गए सूर्य देवता के पास। सूर्य देवता ने कहा, भैया मैं तो चलायमान हूं, चलता रहता हूं, कैसे तुमको शिक्षा दूंगा मैं। तो हनुमान जी ने कहा कि आप ज्ञान मुझे देते जाइए और चलते रहिए, मैं आपके सामने उल्टा होकर के चलूंगा। तो आप चलते रहेंगे, मैं आपके सामने उल्टा होकर के चलता रहूंगा और ज्ञान प्राप्त, क्योंकि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बदलाते सब पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला जल पा जाएगा मधुशाला। सुंदर कविता है, उसके कुछ क्षण पढ़ देता हूं आपके लिए। यह है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्नी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास सरगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।